नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं दिल्ली की खूबसूरत जगह पे, कनॉट प्लेस पे, और यहाँ का नज़ारा तो इतना खूबसूरत है जो देखते ही बनता है। यहाँ पे जगह जगह पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और अपनी मस्ती कर रहे हैं, समाज के लिए है। हमारे साथ हैं केपी चौधरी साहब, जो किसी नाम के और किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हर एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आते हैं। बहुजन समाज की बात हो और केपी चौधरी जी वहाँ पर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। केपी चौधरी साहब, आपका एसएम न्यूज़ में स्वागत है। जी, जय भीम नभोदय। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम नभोदय। सर, एक बात बताइए, आज बहुत सारे लोग, हिंदू धर्म के लोग, बुद्ध धर्म में जा रहे हैं, उसका क्या रीज़न है सबसे बड़ा, वो बताएं। देखिए, ये तो अगर हम 14 अक्टूबर 1956 को याद करें, आज जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं जी। और उन्होंने 500,000 अपने अनुयायियों के साथ में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। हिंदू धर्म की अपनी कुरीतियाँ इतनी ज़्यादा सिद्ध हो गई हैं, जगह 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 लोगों में एक रिएक्शन पैदा हो रहा है। लोग सम्मान और स्वाभिमान से जीने की बात कर रहे हैं। इवन देश में महिलाओं को मंदिर तक में जाने की यहाँ इजाज़त नहीं है। एससी एसटी के लोगों को मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है। और मंदिर हिंदू धर्म का एक ऐसा पूजा स्थल है जिसको सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। और जिस धर्म में समानता ना हो, असमानता है, उस धर्म को अगर लोग छोड़ने की भारत में आज बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी स्वाभाविक बात है। और मेरा भी ये मानना है कि अगर धर्म में, देखिए, धर्म सबके लिए बराबर होता है, लेकिन ये पहला धर्म है दुनिया का जिसमें, मतलब ये है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वहाँ नहीं जाएंगे, आप पूजा करेंगे, आप ये करेंगे, आप पूजा नहीं करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि इस धर्म के अंदर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके बनाए गए, हर अलग कानून बनाए गए हैं। उस स्थिति में आदमी, जो आम आदमी, जो चिंतनशील व्यक्ति है, विशेष रूप से मैं आज बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ, जब अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री के पद से हटे और उनकी घर को जब गाय के उससे धोया गया, साफ किया गया, तो उन्हें आभास हुआ कि यार, मैं तो अपने आप को सवर्ण मानता था, मैं तो कृष्णवंशी मानता था, लेकिन मुझे लगा कि मैं भी अछूत हूँ। और उनके अंदर एक बड़ा मूलभूत परिवर्तन देखने को मिला और उन्होंने कहा कि मैं बहन जी के साथ मैं तालमेल करूँगा, बहन जी के साथ मैं गठबंधन करके, और उसका नतीजा ये हुआ कि फूलपुर की जो सीट थी, अपनी गोरखपुर की सीट थी, कैराना की जो सीट थी लोकसभा की, वो तीनों सीटें इस गठबंधन के हिस्से में चली गईं। तो जो अभी आपने कहा है कि हिंदू धर्म की जो अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनमें जो कमियां हैं, उन कमियों के चलते हुए आज हिंदू धर्म से जो त्रस्त लोग हैं वो दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, और विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग तो बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको रिजर्वेशन के साथ साथ, आरक्षण के साथ साथ, एक धर्म भी देकर गए हैं, बौद्ध धर्म की व्यवस्था कर कर गए हैं। तो ये जो अब हिंदू धर्म का पलायन हो रहा है, लोग त्याग कर रहे हैं और दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, ये स्वाभाविक बात है। और हिंदू धर्म चलाने वाले जो लोग हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस धर्म के अंदर आप सभी के लिए बराबरी की व्यवस्था करें, जात पात का भेद खत्म करें, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में हो सकता है कि हिंदू धर्म भारत में लुप्त हो जाए।